नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें टेंशन किस बात की है। जिस तरह से हमें कहीं शरीर में दर्द है तो हमें जानना होगा किस अंग में दर्द है। हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, या हमारे पाँव में कुछ चुभ गया है, लेकिन किस जगह चुभा है उस जगह को जानेंगे तभी तो हम उस जगह का इलाज करवाएंगे। चोट लगी है, पूरे शरीर का चोट का इलाज तो करवाएंगे नहीं, शरीर में जिस जगह है उस जगह का इलाज कराएंगे। इसी तरह हमें जो दुख है किस बात का है, हमें टेंशन है किस बात का है, वो हमें सोचना है। टेंशन तो देखिए कहीं पे भी लिया जा सकता है, चाहे आप अकेले बैठ रहे हैं, चाहे भीड़ में बैठे हैं, चाहे आप बहुत सारे दोस्तों के साथ मेला में गए हैं, तब भी आप टेंशन में रह सकते हैं। और खुश आप अकेले रह के भी खुश रह सकते हैं और सबके साथ भी खुश रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। जिस तरह से आप हर हाल में खुश रहना है आपको और हमें, तो हमें जानना जरूरी है कि हमें किस बात के है। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेंशन पहले ले आते हैं कि ये मेरा काम पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन इससे पहले पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा सोचते हैं, उससे पहले हमने क्या सोचा था कि हमें ये काम करना है तो क्यों करना है, ऐसा नहीं सोचा हमने। बस ये सोचा हमें ये काम करना है, जब हम आगे चले तो हमें टेंशन हुआ कि ये हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। जब सोचने में आपने एक पल की देरी नहीं की कि हमें ये काम करना है, तो टेंशन लेके फिर हमें क्या मिलेगा। जब सोच लिया है कि हमें ये काम करना है तो कर डालिए, टेंशन को एक कोने में कर दीजिए। नहीं तो टेंशन क्या बन जाता है, एक चिता के समान। टेंशन में हम टेंशन के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा अच्छा खासा काम भी बिगाड़ लेते हैं। हमें सोचना है तभी हम हर हाल में खुश रह सकते। आप देखिए बच्चे को, देखिए बच्चा एक छोटा है, उसको मिट्टी पे छोड़ दीजिए, चाहे बालू में छोड़ दीजिए, चाहे खिलौने के बीच में छोड़ दीजिए, उसमें भी वो खुश है। दौड़ दौड़ के वो मिट्टी का घर बनाएगा या मिट्टी को फेंकेगा या खेलेगा। बालू के साथ भी वो यही करेगा, अपने खिलौने के साथ भी वही करेगा, खेलेगा नहीं तो उसको फेंकेगा। तो हम भी कर सकते हैं, अपने कोई भी काम जो सोचा है हमने वो बिना टेंशन को लिए कर सकते हैं। हाँ, एक पल सोचिए जरा कि हाँ उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि हम लेके टेंशन लेके रहे, यार इसमें नुकसान हो गया तो मेरा क्या होगा, ये लेंगे तो ये टेंशन हुआ। और कोई भी काम करते करते टेंशन करेंगे तो वो काम हमारा सही तरीके से नहीं होगा। जिस तरह से आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जाते जाते अगर मोड़ आ जाता है, हमें बताया गया है कि स्ट्रेट वे चलिए, तो आपका जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं या जहाँ वो व्यक्ति मिलेगा, और अगर मोड़ आ गया बीच में तो आप क्या टेंशन में, अरे उसने तो कहा था स्ट्रेट वे आना और ये मोड़ कहाँ से आ गया, टेंशन में हो जाते हैं। क्या पता उस व्यक्ति ने कहा स्ट्रेट आना, स्ट्रेट में सिर्फ एक ही मोड़ है, यानी उस मोड़ से स्ट्रेट जाना, ये भी हो सकता है। अगर हम लेते हैं अरे मोड़ आ गया, अब मैं कैसे जाऊँ सीधा, कैसे सीधे सामने कोई बिल्डिंग है या पेड़ है, क्या उसे टकराएंगे ही अगर सीधे सीधे जाएंगे। बस ये देखना उस व्यक्ति ने कहा सीधे सीधे आइए, उसमें थोड़ा मोड़ भी हो सकता है। अगर आगे कुछ नहीं है तो यानी मोड़ है वही सीधा है। ये हमारे पॉजिटिव बातें हैं जो हम सोचते हैं, हमारे थॉट में आता है। अगर हम नेगेटिव लेके बैठते हैं तो हमारा कोई भी काम सही नहीं होगा और हम टेंशन में रहते हैं और किसी भी हाल में हम खुश नहीं रह सकते। तभी मैंने कहा हम अकेले रह के भी खुश हो सकते हैं और अकेले रह के दुखी भी हो सकते हैं। मेले में सब दोस्तों के साथ, सब संगति के साथ भी हम दुखी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या चाहते हैं। अगर अच्छा चाहेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।